नैयर साहब, नैयर साहब को तो पिताजी रफी साहब को ये प्रेफर करते थे, पिताजी के साथ पुराना ये था एकदम शुरू शुरू में। तो नैयर साहब एक दिन मुझे फ़ोन किया, नैयर साहब उनका वॉइस कुछ अजीब था, तो मैं फ़ोन उठाया, हेलो, वहाँ से नैयर साहब खुद फ़ोन किया, हेलो, तो कौन बोल रहा है, मैं ओपी नैयर बोल रहा हूँ, अमित है, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ, बेटा मैं ऐसे ऐसे पिक्चर में मुझे सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, जू होटल में आ जाओ करेक्ट 10 बजे आना बेटा, रिहर्सल करेंगे, तुम और कविता दोनों डुएट गाना है और भी एक सोलो गाना है सब। तो मैं गया, अच्छा मैं 10 बजे पहुंच नहीं पाया कपिल जी, मैं 10:10 में पहुंचा, तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा करके, ये कोई वक्त हुआ आने का? अरे 10 मिनट, तुम क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते हो? अरे बाप रे, मतलब नहीं मैं तो उसके बाद उन्होंने मुझे यही गाना मुझे कविता को कम से कम 6 दिन तक रिहर्सल करवाया। वाह, 6 दिन, बड़ा खूबसूरत गाना है। उसके बाद हमने बॉम्बे लैब में गाना रिकॉर्डिंग हुआ। अच्छा उनका क्या था, होता था कि 10 बजे 10:30 बजे टेक शुरू किया, 12 बजे बैकअप, मतलब कविता से कहा मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि मेरे को आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर टेक, ठीक नहीं गया मैं, तो कविता बोले मैं नहीं बोलूंगी तुम बोलो। तो मतलब नेहर साहब, हाँ बेटा बोलो, मैं और एक टेक लेना चाहता हूँ, तुम इससे अच्छा नहीं गा सकते। अच्छा ऊपर वाले का कर्म देखो कैसा, हम मैं पता ही नहीं था कि मैं इनका फैन हूँ। सर मजा आ गया आपसे मिलके, लव यू सर, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मतलब ये फैमिली के ऊपर ये कृपा है ऊपर वाले की, बात करते हैं तो हंसा देते हैं, गाते हैं तो आपको उस दुनिया में पहुंचा देते हैं, तो ये वाकई ये ऊपर वाला दे तो दे बस, कि मजा आ गया मिलके आज का समय। अमित जी से बातें करके बहुत मजा आ रहा है, तो चलिए इस मजे को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहा हूँ किशोरदा की फैमिली से 2 और मेहमानों को। इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किशोरदा की जिंदगी को ना सिर्फ करीब से देखा है बल्कि इनकी खूबसूरती को देख के किशोरदा ने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी। तो इन्होंने हमें मन के मीत, हमजोली, महबूब की मेहंदी, मन चली, विदाई और बैराग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लीना चंदावरकर जी और साथ में किशोरदा के छोटे सुपुत्र वेरी टैलेंटेड सुमित कुमार जी। तालियां जोरदार हो जाए एक बार। क्या हंसा है, बाप रे, माय प्रेबा। लीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम धन्य हो गए आप हमारे शो में आए हैं। मैं क्या बोलूं, हम लोग घर में आपको देखते थे और आप, मैं बताया कि किशोरदा कहते थे कि जो हंसाता है दुनिया को वो भगवान के बाद होता है। सो स्वीट, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अमित जी से यही कह रहा था कि हमें सौभाग्य नहीं मिला कभी किशोरदास से मुलाकात करने का, पर आज ये हमारा सौभाग्य, आप आज उनका परिवार हमारे साथ है, तो जोरदार तालियां हो जाए आज। लीना मैम सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जितनी बला की खूबसूरत हैं जी, थैंक यू। किशोरदा उतने ही शरारती थे, उतने ही मजाकिया थे, तो आपके चक्कर में सीरियस कैसे हो गए हो जी? मतलब जब आप उन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो नॉर्मली किया था, गाना वाना गा के किया था? अरे बाप रे, वो मत पूछिए। पहले लाइफ की ट्रेजेडी में, अच्छा जी, ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो बोलने लगे कोई बात नहीं तुम स्टोरी तो सुन लो, नहीं मैंने कर सक, करते करते मना लिया, नन का रोल दिया बहुत सुंदर। अच्छा जी, फिर उसके बाद में मैं घर पे बुलाया, अमित सब लोग थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि तुम खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, क्योंकि मैं नॉर्मल होने लगी जब मैं, अब हुआ ये कि उन्होंने बोलते बोलते बोल ही दिया कि अगर ऐसा नहीं, अगर कभी सोचो शादी के लिए तो मेरा प्रपोजल सबसे पहले। मैं बोला क्या आपके लिए शादी इतना क्या कोई मायने नहीं रखती है, आप जिसके साथ भी काम करते हो, किसी ने मुझे भड़काया था संजीव कुमार, उन्होंने बाद में बता, संजीव कुमार जी ने बताया था, संजीव जी ने मुझे बोला वो फिल्में लेना चाहते ना पहले, अच्छा राखी बांधो। क्या तो बोलते शादी करोगी, तो मैंने कहा नहीं क्यों शादी करूं, मैं उनकी फैन हूं। फिर उसके बाद में उन्होंने जब कहा मेरा प्रपोजल है, तो मैंने कहा नहीं
आपने क्यों ऐसा बोला? तो बोलते अच्छा अच्छा कैंसिल कर दो, मेरी फिल्म मत छोड़ना, तुम सीनियर हैं और इतने मेरे फेवरेट हैं. तो मैंने कहा नहीं नहीं फिल्म नहीं, लेकिन शादी नहीं. तो बोले ठीक है. फिर उसके बाद में मैं जब आई मामा से मिलने, तो बोलती ये मुसीबत फिर से मेरे गले में आ गई. अच्छा. मतलब जो हुआ था मेरा, ससुराल से मैं घर आ गई और कहाँ जाती, मुझे बहुत लग गई बात. बोलते हैं ना अपना जो, मैंने कहा पापा मुझे इतना प्यार करते, मैं भी ऐसे कैसे कह दिया. फिर मैंने उनको फ़ोन लगा, मैंने बस सुनिए, तो उठाया था, हाँ लीना तुम. मैंने कहा देखिए आपने उस दिन कहा था ना कि आप शादी करना चाहते हैं, सीरियसली कहा था या ऐसे? अरे बाबा वो तो हो गया ना बात, मैंने तो सॉरी भी बोला, ये भी हो गया सब, अभी मैं भूल भी गया हूँ. तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर मुझे किसी और को अप्रोच करना होगा. मैं जाके रास्ते में किसी को पूछूंगा आपकी शादी हुई है, नहीं आप उससे शादी कर सकते हैं. फिर बाद में पता क्या बोलते हैं, अरे बाप रे मैं सोचता था मैं ही सबसे बड़ा, तुम तो मुझसे भी बड़ी. सुमित आपको आपको याद है कोई किस्सा किशोरदा का? इसका एक किस्सा मैं बताता हूँ. हम हमारे जो बंगलो है किशोर साहब के बंगलो, उसके मानिक जी के ऊपर जो स्कूल है लगा हुआ एकदम जो दीवार है. दादा नो प्लीज. नहीं एक बार. अरे दिस इज द फैमिली शो. फैमिली शो तो ये नहीं. सुमित इज वेरी अनहैप्पी. फैमिली शो में सब बता दो. बाबा बाबा और फादर वाज ओपन बुक यार, ऐसा इंसान पैदा ही नहीं होगा, वन ऑफ अ काइंड. ये तो मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली. तो स्कूल वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे, गार्डन था वहाँ पे और वो ग्लास हाउस था. तो ऐसा हुआ कि बच्चे लोग खेल रहे हैं तो वो ग्लास हाउस बनाया था, तो बॉल आके धाड़ तोड़ दिया कांच. अच्छा. अब पिताजी एकदम वहां से जो उनका शुरू हुआ, गालियों का जो प्रचार शुरू हुआ, वो बोल नहीं सकता मैं तेरी आवा भाबा 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 भाबा. बच्चे लोग और प्रिंसिपल भी खड़े वहां पे भाबा. अभी मैं पीछे से आके क्या हुआ ये बोल रहे बाप रे बाप, बाप का बेटा दोनों देखो. तो प्रिंसिपल फिर चिट्ठी लिखा, किशोर साहब आप सचमुच तो क्या मतलब बचपना कितना, मतलब ये बातें जो कहीं सच ही कहते हैं कि ये जो कलाकार के अंदर का बचपना है, हालांकि सिर्फ कलाकार ही नहीं किसी के अंदर का भी जो बचपना है वो नहीं मरना चाहिए. पर आज मैं देख रहा हूँ कि अमित जी आपके अंदर भी वो शरारते हैं, और लीना जी आपके ना आपके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक मासूम से बच्चे वाली ना वो स्माइल दिख रही है. सो बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप तीनों. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आज सिर्फ लीना जी, सुमित और अमित जी नहीं है, अमित जी का परिवार भी यहाँ पे है. अमित जी आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन कौन आया घर से? मेरी पत्नी रीमा गांगुली. नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपके बहुत बड़े फैन हूँ. थैंक यू. माय मदर इन लॉ वंदिता दास गुप्ता. नमस्कार जी, प्रणाम, वेलकम. बहुत बड़ी मेरी मेरी डॉटर उस तरफ है. हेलो मुक्तिका गांगुली, वेलकम. और वृंदा गांगुली, वेलकम. ओ चंदू ये क्या पतीला लेके घूम रहा है? खबरदार इनको पतीला बोला तो ये मेरी जायदाद है. पतीले कौन सी जायदाद होती है बे? अच्छा मुकेश अंबानी की अंटीला हो सकती है, मेरी पतीला नहीं हो सकती. पहली बार मैंने पतीले के दो ढक्कन देखे हैं. एक पतीले के ऊपर, एक पतीले के साथ खड़ा है सूट बूट में. जब बर्तनों की इतनी नॉलेज तो शो क्यों खोला? टेंट हाउस खोलो ना, वो ज्यादा चलेगा. मैं भी किसमें उलझ गया. श्री किशोर कुमार जी की फैमिली आई हुई है. अमित जी नमस्कार, सुमित जी नमस्कार, लीना जी नमस्कार. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पतीलों के साथ क्यों आया हूँ? नहीं वो नहीं सोच रहे. तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं? अच्छा मैंने एक चीज देखी है, उतना हिसाब धर्मराज कर्मों का नहीं रखता जितना ये हमारा रखते हैं. मैं कर्मों का नहीं तेरे जैसे बेशर्मों का हिसाब रखता हूँ. तुम क्यों मेरी बेइज्जती सुन रहे हो? चलो यहाँ से निकलो. एंड कीप द चेंज. कीप द चेंज उसको बोलते जिसको पैसे दिए हो. जिनसे खुद मांग के आए उनको नहीं बोलते कीप द चेंज.
जब आपको पता होता कि पैसे देने होते तो फिर देते क्यों नहीं हो? लोग तुम्हारे घर से खाली जाते हैं। ये शो है तेरा, सिग्नल नहीं है कि जहां मैं जी में आया तो मांगना शुरू कर देता तू। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं आज म्यूजिक के मूड से आया हूं। अच्छा, मैं बातें करने के लिए आया हूं, आप मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें। बड़ा तेरा छोटे तबले जैसा मुंह है तेरा। बता क्या बातें करने आया? मैं अमित जी, इधरा पीठ पीछे बातें बड़ी करता है एक तो। बैठ इधर बैठ, देख तेरे को इज्जत दे रहा हूँ। कभी सोचा था तू किशोर दा की फैमिली के साथ बैठेगा? देखा आते नहीं जाती। नमस्कार सबसे पहले। उसके बाद में क्या करेगा अभी तू? पहले नमस्कार है तो नमस्ते तो सबसे पहले नमस्ते तो ऐसे किए जैसे उसके बाद बड़ा कुछ ये गाना सुनाएगा। मैं बहुत ज्यादा हाथ देखो इसके रहते हैं। कुछ मांगेगा पक्का। अच्छा क्या करने आया था बता दो सही। खैर अमित जी, वो मैंने कुछ चीजें देखी कि जो म्यूजिक में मेरे को अच्छी नहीं लगती। कौन सी चीजें नहीं तुझे अच्छी लगी? जो भेदभाव होता है ना वो नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या भेदभाव होता है? हारमोनियम में जो ब्लैक कीज ऊपर होती हैं, व्हाइट वाली नीचे होती हैं। कहती ना जाहिलों वाली बात। हाँ नहीं, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना अर्चना जी कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें इतने सारे छेद होते हैं। मैंने कहा था ना ये जाहिलों वाली बात करेगा। बांसुरी में छेद इसलिए होते हैं ताकि वो सुर निकले उसके। अच्छा एक सुर के लिए छेद तो ससुर के लिए तो फिर सुरंग बना देते होंगे। देखा मैंने कहा था ये ऐसी बातें करेगा। म्यूजिक के बारे में मेरे को मत बताओ, इधर मैं भी घराने से बिलोंग करता हूँ। घराना उनका होता है जिनका घर हो। तेरा फुट पताना है तेरा। इधर बैठो, इधर बैठो। सोनी साहब के गुलजार साहब बैठो इधर। क्या शब्द दिया आपने, फुट पताना। खैर अमित जी, मेरे को भी प्रॉपर एक अच्छी नॉलेज है म्यूजिक की। जैसे वो तानसेन साहब वो सुर लगाते थे ना, तो वो मैं भी लगा सकता हूँ। तो लगा फिर। नहीं लगाने नहीं ना मैंने, क्योंकि जब वो लगाते थे तो आग लग जाती थी, बारिश हो जाती थी, और मैं बिल्कुल नेचर लवर हूँ, मैं प्रकृति के खिलाफ कुछ करता नहीं हूँ। अच्छा हाँ जी, तो फिर ये जो सुबह सुबह बोतल पानी की लेके जो प्रकृति के साथ उसकी बनाई हुई जमीन को जो तो गंदा करता है, वो क्यों करता है फिर? वो खाद होती है। गाना गाना छोड़ दिया तूने? मैंने छोड़ दिया था, तभी छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है गाना गाना। अच्छा। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, लिखता बहुत है ये? मैं बहुत लिखता हूँ। क्या सोनी टी को चिट्ठी लिखता है, मेरे को क्राइम पेट्रोल में एज ए लाश ले लो। क्यों लिखता है ये सब चिट्ठियां? सारी जान तो हमारी इधर निकाल देते, फिर उधर लाश का रोल मिलेगा हमें। वो आपको पता है जो ए आर रहमान साहब का वो जो फेमस गाना जिसको ऑस्कर मिला, वो भी मैंने लिखा था। कौन सा गाना? जय हो। और जागरण में जितनी ज्यादा जय हो मैं करता, करता है कोई नहीं है। आपको पता है उनको गर्मी अवार्ड भी मिल गया था। क्या अवार्ड? गर्मी? हाँ, जिसने सारी उम्र ना जिसके घमौरियां निकली हो उसको तो गर्मी लगेगा ना। गर्मी नहीं होता बे, ग्रैमी अवार्ड होता है वो। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, गर्मियों के कपड़े हो सकते हैं, तो गर्मी का अवार्ड नहीं हो सकता। अच्छा आप में से कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये होता है। ये जो फालतू की बातें कर रहा है ना ये। देखो कपू शर्मा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आयोडीन किसी को नहीं मिलता। भगवान ने जिसको आयोडीन जितना देना वो दे ही देना है। पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, इधर आके बैठ। नहीं वो बड़े लोग बैठे हैं, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको सोफे बिठा दो ना इसके घमौरियां निकल आती हैं। इसको इज्जत नहीं हजम होती। स्पॉट दादा ये बहुत तंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग फ्रूट रखते हो ना, एक हंटर भी रखा करो, इसको लगेगा। स्पॉट दादा पहले वो मेन मेन पतीले रखो यार, जो मैं काम करने के लिए इधर आया हूँ। क्या करने है? मैंने उधर ढाबा खोलना अपना। अरे वाह चंदू, अगले कैसे है रे चंदू? मैं बहुत अच्छा ही ले। अरे वाह मुबारक हो, अब घर के बर्तन भी बिकना चालू हो गए। इधर मैं बर्तन नहीं बेचने आया हूँ। बर्तन? ओह माय गॉड, अरे क्या बात है, किशोर जी की फैमिली से कुमार जाइले, जोरदार ताली हो जाए। हेलो सर, कैसे कैसे है? धीरे से है। अब मेरे को पता चला है चंदू क्यों आता है इधर। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना तो खाली बर्तन लेकर आता है मांगने के लिए। देख क्या रहा है, माटूंगा के मंगोड़ी।
मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, उधर मैंने ढाबा खोलना है। ढाबा खोलना है तो जल्दी खोल बाबा, क्योंकि बाद में तेरा सामान हमको फेंकना भी रहता है। ऐसे कैसे फेंक दोगे? मैंने इधर सोनी साहब से चिट्ठी लिखवाई है, ये देखो। सोनी साहब मतलब सोनी टीवी? हाँ, ये चिट्ठी लिखवाई मैंने सोनी साहब। सोनी साहब की है? हाँ, हाँ। जा सोनी साहब को बुला के ला, मैं बात करेगी उनसे। अच्छा, मुझे पता था इसने ऐसे करना है, इसलिए मैंने चिट्ठी लिखवाई नहीं। बड़ा है इधर, सेलिब्रिटी लोग से बात करेगी। कैसे सर? एकदम सर, एक सच्ची बात बोलूं, पूरी दुनिया के लिए ना आपकी फैमिली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, सच्ची में। आप सब लोग को देख कर ना सर, मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होके ना सिंगिंग बनूं। सिंगिंग नहीं, सिंगर होता है। नहीं, जेंट सिंगर रहता है, लेडी सिंगिंग ही रहते हैं। ये कप्पू को ज्यादा मालूम नहीं है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसका। तू नाला सोपारा में, तेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा। अरे तेरे पीछे जो आदमी है उसको तो रेस्ट दे। कौन? अच्छा हाँ, चंदू से बातें कर रहा है वो। ये ले, इसके साथ लगा रहे तो तेरे को मजा आएगा। सर मेरा कहता, मैं तो सिंगिंग बनी नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा बेटा होगा ना, उसको मैं बहुत बड़ा सिंगर बनाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से है ना, और मैं इधर के रियलिटी शो देखी है, जितने कंटेस्टेंट रहते ना वो भी गरीब रहते, माँ बाप तो और भी गरीब रहते। और सर क्या रहता है, गरीब लोग रहते ना उनको बहुत वोट मिलते। मैं चाहती है मेरा बेटा रहे ना, उसको बहुत सारा वोट मिले, इतना वोट मिले कि बड़ा होके वो बहुत बड़ा मंत्री बने। और बहुत बड़ा मंत्री बनने के बाद ना वो एक बहुत बड़े शो में ना जाके कुर्सी पे बैठे, और फिर बाद में एक महिला आए। और वो महिला आके उसकी कुर्सी छीन ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।